उन्होंने तो इतना दिया है, जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें आईना लेके तो हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने 15 लाख का वायदा किया, एक घर में 5 लोग आए और हर आदमी का जो कार्ड बना हुआ हैगा, आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है 5 लोगों का अगर घर में है और आप 5,000 से 5 लाख से जोड़ लो, कितने लाख बैठे, वो तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक जितने 10 लोग आए आप जोड़ लो, कितने लोगों कितने लाख हुए हैं। जिनके आंखें नहीं है उन्हें दिखा नहीं सकते हैं। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, ये आदत कभी गई है ना कभी जाएगी। मोदी योगी ने इतनी फैसिलिटी महिलाओं को दी है, गल्ला मुफ्त दे रहे हैं, राशन, महिलाओं का पति बीमार हो जाए कमाने को नहीं जा पाए तो बेचारी अपनी चटनी से नमक से आराम से बैठ के खा सकेंगी। लैटरीन महिलाओं के लिए दिए, कमरे महिलाओं के लिए दिए, और आयुष्मान में इतना फायदा हुआ है कि लोगों के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, पति पड़ा है, बच्चा पड़ा है, वो कहाँ से इलाज कराएगा। लेकिन उन्होंने मुफ्त इलाज की जो सुविधा है, सबसे बड़ी सराहनीय चीज ये है योगी और मोदी की। हमेशा ये राम मंदिर जो मुद्दा रहा था बड़ा जी, कभी जो है बीएसपी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, कभी राम मंदिर बना नहीं, तो इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में, योगी जी ने मंदिर बनवा भी दिया और उसका जो विवाद था वो खत्म भी कर दिया। वो इसलिए कर दिया, योगी मोदी जो है और योगी दोनों भगवान अवतारी हैं, जब जब होए धर्म की हानि तब तब, जब जब होए असुर अभिमानी तब तब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तो कोई महापुरुष पैदा होते हैं, ये अवतारी हैं। मोदी भी इंसान नहीं है, योगी भी इंसान नहीं है, जो भगवान के अवतारी हैं, और इन्होंने अवतार ले लिया राक्षसों का वध करने के लिए, सबका वध होएगा, अब जेल होएगी या बेल नहीं है, अब जेल होगी बेल नहीं है, अब अत्याचार चरम से ऊपर पहुंच गया, योगी के डंडा चलेगा, सब राइट टाइम हो गए। राम मंदिर हम खूब देखने जाएंगे, क्योंकि वहां हमें साक्षात योगी जी और हमारे मोदी जी दिखाई देंगे, हम राम मंदिर क्यों नहीं देखने जाएंगे। अच्छा, राम मंदिर बनवाने के बाद से जो है कई जगह योगी जी के मंदिर बन गए, पता है? योगी जी के मंदिर बन गए, मैं खुद उनकी इतनी भक्त हूँ कि जिस दिन जे सरकार 24 में आएगी योगी जी का फोटो लगा के मैं मंदिर खुद बनवाऊंगी, और योगी जी पूजनीय हैं, पूजनीय ही रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे देवता हैं जो दुनिया में उनको राक्षसों को दिखाई नहीं दिया है, देवताओं को सब आज भी दिखाई दे रहा है, और वो क्या कुछ देश जनता से आ दोनों की जनता से यही कहेंगे कि 24 में हमारी सारी महिलाएं पूरे उत्तर प्रदेश की, हर प्रदेश की इकट्ठी होके, और हमारे योगी और मोदी को ऐसे वोट दें, यूपी में 24 में सरकार हमारी क्यों नहीं बनेगी, हर हाल में बनेगी।